किती टाइम झाला सांगून देतो सर्वांना? तीन तीन झाले, तीन मिनिटं आणि 46 सेकंद म्हणजे पावणे चार मिनिटांचा खेळ झालेला आहे, बरोबर ना? आणि स्कोर आहे दिवा 2 आणि नाशिक 1, एक पॉइंट ची लीड आहे दिवा जवळ. रेडी स्कोरर, रेडी. त्यांची रेड आहे, त्यांची रेड आहे. कोणाची? बरोबर. और ये पहले रेड मारने के लिए अमित कुमार, मुंबई के कप्तान अमित कुमार की तरह इनकी शक्ल और उन्हीं की तरह इनका शांत स्वभाव का खेल, इसलिए इनका नाम मैंने खुद रखा है अमित कुमार, और इनका ओरिजिनल नाम बंटी. और एम्प्टी रेड इस बार. और अब अगले रेड मारने के लिए नासिक की ओर से लंबे तगड़े खिलाड़ी रेड के लिए. देखना है यहां पर राइडर बाजी मारता है या डिफेंड करने वाली टीम. कड़क मुकाबला होने वाला है. आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि कड़क मुकाबला होगा. और ये दो अढ़ाई रेड की घंटी दिनेश कुमार के लिए. देखना है थर्ड रेड पर क्या कुछ होता है. जबरदस्त खेल चलता हुआ. वन पॉइंट डिवाइड. दिवा 3 1 पॉइंट नासिक. जबरदस्त खेल का प्रदर्शन चलता हुआ दिवा और नासिक के बीच. टाइम आउट. 3 पॉइंट 1 पॉइंट नासिक. राहुल साबले, राहुल साबले. देखना है बहुत छोटे कद के खिलाड़ी है राहुल साबले, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है इनका. फिलहाल देखना है राहुल इस प्रकार से खेलते हैं. और इस बार थर्ड रेड की घंटी बज चुकी है इस राइडर के लिए. इस रेड पर कुछ किया तो ठीक, नहीं तो बिना टच के वापस जाना आपके लिए मना है. इसी का नाम है थर्ड रेड. देखना यहाँ पर वन पॉइंट नासिक. अगले रेड मारने के लिए अनूप कुमार. देखना है अनूप. बोनस दिवाल वन पॉइंट. पांच खिलाड़ी टैकल के लिए मौजूद नासिक के पास. देखना है यहाँ पर रन टू स्टार्ट. चार नंबर के खिलाड़ी सेकंड हाफ के पहले रेड मारने के लिए अनूप कुमार नासिक के खेमे में रेड करने के लिए. और देखना है यहाँ पर सेकंड हाफ का सेकंड हाफ के पहले रेड मारने के लिए बंटी, जो कि बहुत ही बढ़िया चुस्ती और मस्ती के साथ कबड्डी का खेल खेलते हैं. फिलहाल नासिक की ओर से रेड मारने के लिए खिलाड़ी मौजूद. और यहाँ पर पैरों के साथ टच करना चाहते थे खिलाड़ी को, लेकिन अनसक्सेस रहे. खिलाड़ी बोलू नका, शांत चित्ते ने खेला, गेम दाखवा फक्त. और जबरदस्त खेल चलता हुआ. और इस बार थोड़ी सी गलती हुई एक पॉइंट नासिक के खेमे में.
राहुल साहब ने रेड के लिए, देखना है राहुल रेड पर बोनस मिल सकता है राहुल के लिए। छह खिलाड़ी टैकल के लिए मौजूद, लेकिन और शायद यहां पर एंटी रेड सिंगल पॉइंट नासिक, नासिक चार पांच पॉइंट दिवाल। देखना यहां पर धीरे धीरे नासिक ने भी बिगुल बजा दिया है वापसी का, लेकिन देखना यहां पर गेम कौन मारेगा ये कहना नामुमकिन। रेड आउट वन पॉइंट नासिक, पांच पांच की बराबरी पर मैच चलता हुआ। दूसरे हाफ का खेल चलता हुआ, देखना यहाँ पर क्या कुछ होता है। जबरदस्त खेल चलता हुआ, चार नंबर के खिलाड़ी रेड मारने के लिए नासिक के खेमे में जा चुके हैं अनुप कुमार। इस बार वन पॉइंट नासिक, नासिक खिलाड़ी एक पॉइंट के साथ लीड पर। अब सुपर टैकल का मौका भैया के पास, देखना यहाँ पर सुपर टैकल का मौका है भैया के पास। और देखना यहाँ पर और एंटी रेड इस बार अगली रेड मारने के लिए दिनेश कुमार। अरे क्यों पता पांच तरह जाता है। और यहाँ पर दिनेश रेड मारने के लिए तैयार चुस्ती और मस्ती के साथ। और थर्ड रेड की घंटी इस खिलाड़ी के लिए, थर्ड रेड की घंटी इस खिलाड़ी के लिए। अगर पकड़ेंगे भैया वाले तो दो पॉइंट मिलेंगे भैया टीम को। और अब अगले रेड मारने के लिए गणेश कुमार, एक चमकता सितारा। और देखना यहाँ पर गणेश कामयाबी प्राप्त कर पाते या नहीं। दोनों टीमें बहुत तगड़ी टीमें हैं, लेकिन इस बार गणेश को दबोच लिया है वन पॉइंट नासिक, सात सात की बराबरी पर। सुपर टैकल ऑन, और सुपर टैकल का मौका है यहाँ पर। अगर पकड़ेंगे तो फिर से दोबारा दो पॉइंट मिलेंगे दो टीम को। फिलहाल सात सात की बराबरी पर यह मैच चलता हुआ। अगली रेड मारने के लिए योगेश कुमार, आठ नंबर के खिलाड़ी। बहू गुस्से कर ले होते हैं। वन टेक्निकल पॉइंट भी है। देखना यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ भिवल को, भिवल के पास आठ पॉइंट। और देखना यहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन। अगली रीड मारने के लिए आठ नंबर के योगेश कुमार, देखना यहाँ पर जबरदस्त खेल का प्रदर्शन योगेश की ओर से। वापस योगेश, और ये थर्ड रेड की घंटी से खिलाड़ी के लिए सुबह डेगल ऑन है। वन पॉइंट आठ आठ की बराबरी पर, थर्ड रेड की घंटी इस खिलाड़ी के लिए भी। वन पॉइंट
बहुत बढ़िया वापसी, सुपर टैकल का मौका है, अगर पकड़ने वाली टीम पकड़ेंगे तो दो पॉइंट मिलेंगे। 5 मिनट का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि 2 मिनट का खेल बाकी। दो मिनट के खेल के बाद पता चलेगा कि मैच को कौन जीतेगा। बहुत ही बढ़िया टैकल, 8 पॉइंट नासिक, और इसी का नाम है कबड्डी। और दिखने में बहुत छोटी मूर्तियां हैं हमारे पास, लेकिन उनकी कीर्ति बहुत बड़ी बड़ी है दोस्तों। फिलहाल मैच में कुछ भी हो सकता है, किसी की स्तुति करना ये भी हमारे लिए। टाइम आउट लिया है बिहार, 1 2 3 स्टार्ट। और यहाँ पर 4 खिलाड़ी टेकल के लिए, और देखना यहाँ पर कैसा गेम होता है। और इस बार और हमारे हनुमान ने इस खिलाड़ी को उठा लिया, 1 पॉइंट बिहार। और राहुल सावरे गेम रे मारने के लिए, राहुल भाई देखना है राहुल किस प्रकार से खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन राहुल की ओर से। और यहाँ पर अब पल शूट की थी राहुल के लिए, और बढ़िया खेल इस टीम के कोच कमलेश तो मेरे पास पहुंच जाए। और इस खिलाड़ी के लिए थर्ड एड की घंटी, अगर इस खिलाड़ी को पकड़ेंगे तो दो पॉइंट मिलेंगे नासिक टीम को। 13-8, बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन चलता हुआ। और यहाँ पर अनूप कुमार ने बाजी मार दी है और एक और नमूना पेश कर दिया है, गजब का प्रदर्शन। 1 पॉइंट